रहेगी एडिटिंग आगे एक नई डीजे स्टेटस वीडियो के साथ, तो बने रहेंगे इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले आपको काइंड मास्टर ऐप ओपन करना है और यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और साइज सेलेक्ट करनी है आपको 9x16। ये साइज सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर 3 नंबर पर एडिटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल स्क्रीन पर क्लिक करके राइट कर देंगे। राइट करने के बाद में सबसे पहले आपको अपने कोई भी फोटो ऐड कर लेना है यहाँ पर, तो मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ पहले। तो मैंने फोटो ऐड कर ली है सभी फोटो ऐड करने के बाद में इसका जो ऑडियो उसको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो मैं ऑडियो ऐड कर लेता हूँ पहले। तो ये वो ऑडियो, इसको यहाँ से आपको दो उंगली से पकड़कर इसको जूम कर देना पहले, और यहाँ पर आपको ये जो बीट दिख रही है फ़ोटो की, यहाँ पर इसको कट लगाएंगे हम, ट्रिम टू स्प्लिट करेंगे। तो ये यहाँ पर इस फोटो पर क्लिक किया और ट्रिम टू स्प्लिट पर जाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे यहाँ से। तो सभी फ़ोटो में आपको लगभग 3-4 फोटो में यहाँ पर ऐसे कट लगाना होगा। तो इस फोटो में यहाँ तक कट लगाएंगे और फिर इसको यहाँ तक रहने देंगे और यहाँ पर ये कट लगा देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रिम टू स्प्लिट कर देंगे और फिर आपको इस फोटो को रहने देना और यहाँ पर ये जो बीट लंबी बीट दिख रही है यहाँ पर कट लगाएंगे हम और यहाँ से इसको रहने देना है। तो और इसको यहाँ पर ये कट लगा देंगे और फिर आपको स्क्रॉल करते हुए आगे ड्यूरेशन में, तो ये कट हो गए। इसके बाद आपको यहाँ पर इस फोटो पर यहाँ पर कट लगाएंगे हम, यहाँ पर, और फिर आपको यहाँ से इसको स्क्रॉल करते हुए आगे जाना है और इस वाले फोटो वाले पर क्लिक करना है यहाँ पर इस बीट पर और इसको ट्रिम टू स्प्लिट कर देना और फिर आपको स्क्रॉल करते हुए आगे जाना है और यहाँ पर ये ट्रिम टू स्प्लिट कर देंगे और फिर यहाँ पर एक क्लिक करना है और कट लगा देना है यहाँ पर और इस पर भी क्लिक करना है। सॉरी, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ये लंबी बीट दिख रही है यहाँ पर कट लगाएंगे हम और फिर ये हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर आप चाहो तो अपने फ़ोटो ज़्यादा रख सकते हो और आप नहीं चाहो तो यहाँ पर रख भी नहीं सकते हो। मैं कोई फ़ोटो और ऐड कर लेता हूँ पहले। और इसको यहाँ तक और इस फोटो को यहाँ पर और इस वाले फोटो को यहाँ से ट्रिम टू स्प्लिट कर देंगे। तो ये ऐड हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से जूम कर लेना है और जिस फोटो की आपको ड्यूरेशन ज़्यादा दिख रही है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना होगा जिसका नाम है कॉल मी डीजे बिट सिंक ऐप में आपको मिल जाएगा। और आपको इससे ये ऐड नहीं हो रहा काइंड मास्टर में, तो मेरा वीडियो का ट्यूटोरियल है इसका बारे में बताया हुआ, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वो देखकर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और 2 नंबर वाला ये ऐड कर देंगे और फिर एक को छोड़कर एक क्लिप ग्राफिक्स पर ऐड करेंगे और आपको ये इस काइंड मास्टर में मिल जाएगा कैम मोशन ऐड करेंगे, तो ये वाला।
हो गया। और फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसमें कॉल मी डीजे का ऐड करेंगे दो नंबर वाला, और इसमें आपको फ्लिप ग्राफिक्स में कैम मोशन में जूम इन जूम आउट या रोटेशन भी जूम आउट जूम इन रख सकते हो या रोटेशन टू रख सकते हो यहाँ पर इस पर। और फिर इस पर भी हम कॉल मी डीजे का दो नंबर वाला ऐड करेंगे, और इसको छोड़कर यहाँ पर इस पर भी कॉल मी डीजे दो नंबर, और जो हमने अभी पीछे फ़ोटो छोड़े उस पर ये कैम मोशन वाला ऐड कर देंगे हम। यहाँ पर आप चाहो तो जूम आउट भी रख सकते हो, इस पर भी मैंने नहीं लगाया, तो इस पर यहाँ पर कैम मोशन ऐड करेंगे जूम रोटेशन टू, तो ऐड हो गया। इसके बाद आपको फिर ऑडियो पर क्लिक करना है, और यहाँ से सॉरी ऑडियो पर नहीं लेयर पर क्लिक करना और मीडिया में जाना, मीडिया में इसका टेम्पलेट उसको ऐड करेंगे, तो वो टेम्पलेट ऐड कर लेते पहले। तो ये वाला टेम्पलेट इसको फुल स्क्रीन कर देंगे, फुल स्क्रीन करने के बाद में पहले इसकी ऑडियो को म्यूट कर देंगे। म्यूट करने के बाद में आपको फिर यहाँ से ये ऑप्शन में स्क्रॉल करते ब्लेंडिंग पर जाना और इसको स्क्रीन कर देना है। तो इसको हम डुप्लीकेट बना के दो बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है, तो यहाँ से इसको डुप्लीकेट बना के पूरा कर लिया है हमने। और फिर आपको लेयर पर क्लिक करना और मीडिया में जाना है, मीडिया में जिस इसका बैकग्राउंड है तो वो बॉर्डर ऐड कर लेंगे, सॉरी बैकग्राउंड नहीं बॉर्डर, तो इसको भी यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को फुल कर देंगे और फिर राइट कर देंगे। तो यहाँ से इसको अपन यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो बस अपना वीडियो बनके तैयार हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।